कैला देवी खड़ी हुई है और रेखा भी खड़ी हुई है। ये प्रसाद लेकर आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। यह नायकेनाथ का मंदिर है, जयपुर जिले का भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। दीवा सामने जलाओ, तीनों एक ही लाइन में खड़े हो तुम। तुम तो तुम्हारा काम करो, सब हो रहा है अपना आप। ये रिकॉर्ड लिखा हुआ गया, अब शुरू होगी रिकॉर्डिंग। जाओ मेरे जैसा। हाँ जाओ। तो आ गया ना यार इसी रिकॉर्ड। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये शंकर भगवान का मंदिर, भाई का नाथ धाम। पंडित जी एक मिनट, पंडित जी बोलते। अरे ये तो बताएंगे ना भाई, ये पंडित जी हैं वहाँ के, नायकेनाथ धाम के, वो बताएं जरूरी है ना आपको। पंडित जी फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, देखो हो रहे हैं रिकॉर्ड। हमको बंद करूंगा ना, देखो ये दबा दिया, इसको दबा रहा हूँ। देखो हाँ, भगवान की पूजा हो रही है तुम्हारी, अच्छी आ रही है, फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग है। जय हो भगवान। अभी लिखा हुआ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको ऐसे रख, दो मिनट के लिए हो गया रिकॉर्ड, इसको बंद करना पड़ा दोबारा वापस। अब रिकॉर्ड हो रहा है, होगा क्या रिकॉर्ड? अब शुरू हो गया रिकॉर्ड। जो मारा वो इस मारा देखिए, कितना सुंदर दिख रहा है ना, नासिक दिख रहा है, पत्तू से बनेगा नहीं। हार्ड पर दिख रहा है। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आ गया, ये पूरा मुंह आ गया इसका। हम आ गए, आप रेडी है? पंडित जी से प्रसाद ले रहे हो? आ गई तेरी भाई, तू बीच में आ गया ना, उधर से लेकर ना उधर मुंह। अब जब भी घर में तुम देखोगे तो पंडित जी साथ दिखेंगे हमेशा। 10 साल 50 साल बाद देखोगे तो ही दिखेंगे पंडित जी। बस इधर ऐसे दिखना पंडित जी, इधर इधर। ना धूप में कबूतर कहाँ मिलेंगे, शाम के टाइम कबूतर को भी गर्मी लगती है ना, घर में सबको लगती है, पशु हो पक्षी हो इंसान हो। ये मंदिर परिसर का दृश्य है, नायकेनाथ मंदिर का परिसर है ये।
यहाँ श्रद्धालु और भक्त लोग भगवान शंकर की पूजा करने आए हुए हैं। ये ऑन हो गया, अब थोड़ा दूर कर लूँ दुकानों को, धीरे 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 बस अपन देखेंगे तो मंगाते हैं अपने घर। और रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनका, मैं लगा दो रिकॉर्ड उनका, सब आ रहा है इसमें। अरे पाँच सात एक चीज लगाओ ना, पाँच बड़ा प्रसाद भैया सही लगाओ, क्या बात है, हिसाब लगाने आता है क्या? ऐसे हिसाब लगाते हो क्या यार? गाड़ी देख के, कैमरा देख के मन में रेट आए वो लगाते हो क्या? फिर क्या बात है ऐसी? ये गिरनेगा खूब जोरदार गर्मी है इसलिए खूब मजा आ रहा है, लाइट जल नहीं रही है, इन्वर्टर है। कला चाय गिर गई, उसकी सफाई कर रही है, उसका चित्र लिया जा रहा है और कला हंस भी रही है सफाई करने के बाद। अब सफाई के कागज को कचरे के डिब्बे में डालने गई है, कचरे में डालते हुए कला बहुत अच्छी लग रही है। मैं बोलूं क्या? ठीक है, मैं बोलता भाई। अब दोनों की अच्छी रिकॉर्डिंग आ रही है, पलंग पर बैठे हो तुम, तुमने चाय पी ली है, सब हम देख रहे हैं इस कैमरे के माध्यम से।
बहुत अच्छे लग रहे हो, कमरा खाली करके कमरे के बाहर बैठे हो, क्योंकि गर्मी जो है शानदार। ये कमरे का नंबर है 12, 12 यानी 12, वो है 11। मम्मी का प्लाट नंबर भी 11, मम्मी का प्लाट नंबर भी 11, कमरा नंबर भी 11, मम्मी को 11 नंबर ही मिलता है, क्या बात है। और मम्मी 11 नंबर कमरे के बाहर है। जस्ट कैला देवी जिला करौली है, यहाँ पर धर्मशाला के ऊपर से मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ। आसपासियों के दृश्यों का अवलोकन करके उन्हें कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कैमरा छोटा है, दृश्य बहुत बड़ा है, फिर भी कोशिश की जा रही है। इस धर्मशाला का नाम है बाल मुकुंद नरसी गेस्ट हाउस कैला देवी। गेस्ट हाउस का नाम ये है, इसके बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। नीचे जो ये स्थान दिख रहा है ये कैंटीन है, यहाँ पर भोजन चाय ब्रेकफास्ट इत्यादि की व्यवस्था होती है और रीजनेबल रेट पर होती है। रिकॉर्डिंग होता है इनका, सही है ना। रात्रि का टाइम है, पहले देवी के प्रस्थान करते हुए
यह जो बालमुकुंद लक्ष्मी गेस्ट हाउस है, केला देवी का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर हम रूम नंबर 11 और रूम नंबर 12 में रुके हुए हैं। गेस्ट हाउस के बाहर से पलंग पड़े हुए हैं, हम रात को यहाँ पर सोए हैं। उनके लाइट की कमी रहती है, लाइट का अभाव रहता है, लाइट में कभी आ सकती है कभी जा सकती है, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तुम्हारे ले रहा हूँ, बैठे हुए तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ? रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी भी, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, पता नहीं वहीं होगा देख देख। तुम जो बोल रहे हो सब इसमें आ रहा है रिकॉर्डिंग में, है ना? है? ये सब पता रहेगा तुमने वहाँ क्या क्या बात करी, चला गई धर्मशाला के अंदर क्या क्या बात करी, इसका सब रिकॉर्ड हो रहा है। पाउडर ये भी लगा तब आ गया, क्या तब आएगा और क्या। अब देख मैं तो कर रही है ना, क्या एक्टिंग नहीं है।
कला ये रेखा आदि आ रही है, रेखा आदि गाय जाती है, कला आदि आ जाती है उसमें, अब आदि आ गई, अब हर गई है। कैला देवी का सुबह का दृश्य है, सुबह के 6:15 बज गए हैं, इस समय का दृश्य है। बड़ी धर्मशाला जो दिख रही है अग्रवाल मिष्ठान मंडा, यहाँ से हमने बच्चों का प्रसाद लिया है। गंगा धर्मशाला यह है, पंडितानी की धर्मशाला। हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा फर्स्ट क्लास। वो मैं एक बार रख लो ना, क्या मिल रही एक माला रख लो, क्या अच्छा रिकॉर्डिंग होना पूरा अच्छी रिकॉर्डिंग। इसमें पता पड़ जाता है व्यू फाइंडर होने से। अभी 54 रुपए की थाली हो गई ना, ले लो बस, बढ़िया है फर्स्ट क्लास। अलग अलग भाव लगा दिए, कोई टेंशन नहीं, हमारे यहाँ
जेल में होता है, एक भारी बोली क्यों किसी उसको बना के दे देता है, ये बाहर पे किसी का भाव नहीं होता है, नो ये कोई अपन सामान तो नहीं है, पूजा वो तो आपकी बात सही है, जो सामान है फिर उसी के तो लगा जाते हैं, अब आप बोलते हैं क्या मन लगा दो क्या मन फूल लगा दो, चलो कोई बात नहीं दे दो यार, कोई लगा ले जाओ जल्दी जाओ सही हो गया और नहीं तो मार दो 21 11 के खाली से बोलते मतलब ये जल्दी ले ले हो रहा हूं हां मैं ले लूंगा जल्दी टूटी गई हो रहा हूं टूटी हो कौन सामान उठा रहे यार बड़ा कि नहीं पता नहीं एक होता ना आपकी एक तरफ सही है ना टूटी हो गई माता सही है अरे तो साइड मत पूरन और केंद्र का तरफ से टूटी हां रख रहा हूं मैं ले लो मेरा कोई रिकॉर्ड लेने वाला ढंग से नहीं है यहाँ पर कोई भी क्या करें यह केला देवी का मंदिर परिसर है, इस मंदिर परिसर के दृश्यों का श्यावलोकन किया जा रहा है। पहला देवी परिसर का हनुमान जी का मंदिर सुंदर है। कोई देख रेख नहीं है यहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ मक्खियाँ बंद मना रही है, कितनी गंदगी हो रही है सरकार भगवान के ऊपर, किस प्रकार का माहौल कर रखा है यहाँ के अध्यक्ष कार्यालय ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के सफाई कर्मियों ने, सिर्फ पंखा लेना जानते हैं, लोगों से चीनी करना जानते हैं, लेकिन भगवान के सच्चे मन से सफाई करना और सेवा करना यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। जय हो बोरा भगत जी की जय हो। भौरा भगत जी का मंदिर है, चला गई मंदिर परिसर का ग्रह। सुप्रीम रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के बाहर हरियाली का दृश्य है। पानी विश्व स्तर का। अच्छा हाँ मतलब अच्छा पानी है नहीं, 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 नहीं।
चिपलूम रेलवे स्टेशन कोकण रेलवे स्टेशन है। आपका पानी भर करो दोबारा। जब दिख रहा है ना वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो जरा के देखो। देखो ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। वाटर इन कोकण रेलवे इज पोर्टेबल, देर इज नो नीड टू परचेज वाटर। वाटर इन कोकण रेलवे हैज बीन पुट टू स्टूडेंट एंड मिस द वर्ल्ड हेल्थ। ये कोकण रेलवे की हरियाली है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन का दृश्य है। देखो जयपुर एर्नाकुलम जयपुर ए वन में मेरे बर्थ नंबर 1, अशोक जी का बर्थ नंबर 3 है। रेलवे के द्वारा ट्रकों को बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में डाल करके परिवहन व्यवस्था संचालित की जाती है। ये सब लोडेड ट्रक हैं, तो इनके द्वारा एक स्थान से गंतव्य स्थान पर माल जा रहा है। इन ट्रकों के द्वारा गंतव्य स्थान पर माल जा रहा है। क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं इसको। हाँ, ये तो कंटेनर पूरा इस तरीके से ट्रक जाते हैं। इस तरीके से रेल के माध्यम से भरे हुए ट्रकों का लगान होता है।
रखा था कुछ कि यहाँ से ये देखिए कितने किलोमीटर ये है, तीन चार पॉइंट है जी। हमारी होटल है पन, ये अपने गोवा के कोलवा बीच में है। होटल के चारों तरफ दृश्य का मैं अवलोकन कर रहा हूँ और कैमरे में भी इस छोटे से स्विमिंग पूल को मैंने लेने का प्रयास किया है। ये वृक्ष है, एकदम हरियाली है, शुद्ध वातावरण है, सुबह का समय है, 8 बज चुके हैं। स्विमिंग पूल की सफाई हो रही है। ये अशोक जी आ गए हैं इसमें। हाँ भाई, क्या हाल है अशोक? ओके, बाय बाय। यू आर रिकॉर्ड इन माई कैमरा। मुझे रिकॉर्ड कर दिया, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये हमारी होटल, कौन क्या नाम है इसका? गोलमोर। गोलमोर रिजोर्ट है जिसमें बहुत सारे कमरे बना रखे हैं। रिजोर्ट को आजकल होटल का रूप देने लग गए हैं। इस प्रकार जयपुर में काफ़ी रिजोर्टों को होटल का रूप दिया जा रहा है।
ऐसे ही उसी तर्ज पर पणजी के कोलवा बीच पर इस रिजोर्ट को होटल का रूप दिया है और यह स्विमिंग पूल है। यह पूरा कैमरा में लेने का प्रयास किया है लेकिन जगह का गैप कम मिलने के कारण इसे पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कवर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्विमिंग पूल रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, विशाल अरब सागर में गोवा के मडगांव के पास कोलवा नामक स्थान पर यह समुद्र गुजर रहा है, इसका नाम रख दिया है कोलवा बीच। विशाल अरब सागर में इस प्रकार के लाखों बीच हैं। जिस स्थान से वह सागर होकर गुजरता है उस स्थान का नाम से उस बीच का नाम रख देते हैं। उस स्थान का नाम है कोलवा, इस किनारे का नाम, इस बीच का नाम कोलवा रख दिया गया है, कोलवा बीच। चारों तरफ मैं अपने मूवी कैमरे को घुमा रहा हूँ। सामने का दृश्य है वो हमारी होटल है। उस होटल में अभी हम ठहरे हुए हैं। उस होटल से मॉर्निंग के टाइम हम आए हैं और यहाँ का नज़ारा देखने के लिए हम प्रफुल्लित हो गए हैं। हमें अच्छा लग रहा है, हमें बहुत तेज चल रही है, हवा है, समुद्र की चिंताजियाँ हैं। ये सरस्वती सेंटर प्लेस है। वर्तमान समय में ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये गोवा होता है। नीचे जेल है, 5,000 कैदी इसमें रहने की क्षमता है। मनोरम दृश्य ऑफ गोवा, गोवा का मनोरम दृश्य। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है फर्स्ट क्लास, पूरा बोर्ड कैमरे में कवर है। क्या प्यारी रिकॉर्डिंग हो रही है। यह जेल के अंदर छत से लिया गया दृश्य है, गोवा की जेल। कुछ भी नहीं दिखे अंदर, ऐसे ही पड़े रहो। पहले के ज़माने की जेल है जहाँ पर कैदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थी, दुख दिया जाता था। आज के प्रजातंत्र में कैदियों के मजे हैं। जेल नाम रह गया है, एक परिसर रहता है, बस उस परिसर में रहना पड़ता है, बाकी पूरी स्वतंत्रता होती है। Thank you.
ये अपनी गाड़ी आ गई पूरी उसमें इसका फेर ले और फेर इधर कैसे लून है यार फेर कमी उतनी जा रही है अभी कोई खास सुंदर नहीं ठीक ठाक है बस कब पहले शादी हुई उसके अभी हिलो रहे हैं पानी के वाह 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 क्या कहने क्या हिलो रहे हैं टाइम खराब कर रहे हैं ये मोटा मोटी टाइम खराब कर रहे हैं अपने साथ में आए हैं अपने टाइम मोटा मोटी लगा रहे हैं गोवा का अंजुला बीच का पार्किंग है यहाँ पर पार्किंग करने के पश्चात हम अंजुला बीच की ओर जा रहे हैं अंजुला बीच गोवा का सभी बीचों में एक अच्छा समुद्र किराना है अरब सागर इस अंजुला नामक स्थान के पास से अपनी कलाकृति दिखा रहा है इसलिए अंजुला नामक स्थान पर इस बीच का नाम अंजुला बीच रखा है सागर में लाखों करोड़ों स्थान पर पानी निकलता है लेकिन जिस गांव के या जिस स्थान से या जिस बीच के स्थान से पानी निकलता है उसी स्थान को उस बीच के नाम से कहा जाता है इसकी पहचान अंजुला जी क्या
पानी की हिलोरे है, क्या आवाज़ है, क्या कल कल करते हुए ये महासागर हैं। छोटे से कैमरे में इस महान सागर को किसी भी प्रकार से समाविष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी नाम मात्र का समाविष्ट करने की कोशिश की जा रही है। Attention taught me इस बीच का नाम क्या है? तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ हमारी बात को। इस बीच का नाम क्या है? वागा टोर बीच। ठीक है भाई।
ये वागाटोर बीच है, उत्तर गोवा का शानदार बीच। ये पार्किंग स्थल से मैं चारों तरफ अपने वीडियो कैमरे को घुमाकर चित्र ले रहा हूँ। अति सुंदर और रमणीय स्थान है। अभी 2 बजे हैं, एकदम सुहाना मौसम है, धूप है नहीं, बरसात का मौसम है, सुंदर मौसम है, चारों तरफ सब मौज मस्ती में आ रहे हैं और सब प्रफुल्लित हैं। हवा इतनी तेज है कि इंसान हिल रहा है भयंकर रूप से। कैमरा क्या चीज है, ऐसे तो आदमी उड़ जाते हैं हवा में। भयंकर हवा के अंदर स्पोर्ट को लिया जा रहा है।
इस बीच का नाम क्या है? भाई रविवार का दिन है, 27 तारीख है, रविवार का दिन होने के कारण आसपास के लोग यहाँ पर भारी मात्रा में इकट्ठे हैं। कारण गोवा में काफ़ी रौनक है, समुद्र तक काफ़ी भीड़ से व्यस्त है। इसको मैं कैमरे में ले रहा हूँ। ये दोनों कालियाँ अपने आप को बहुत धनी समझ रही हैं, समुद्र स्नान जैसे इन्होंने किया है और किसी ने किया ही नहीं है। ये कालियाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा इतरा रही हैं दोनों को। एक ये गंजा और उसके पीछे बैठी हुई है, इसको हम कवरेज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे वीडियोग्राफी में आ रहे हैं।
पंखा यूज करते थे उनके घर में, वहाँ एक आदमी बैठ के वो रस्सी को हिलाता था पुराना पहने। ऐसा जुमर पोर्चुगीज लोग लाया था डच कंट्री से, इसमें लोग तेल का दिया जलाते थे। एक क्रॉकरी लाया था मकाओ चाइना से, पुराने घरों में अभी भी आप लोगों को दिखाई देगा। आगे चलिए, नया था सह्याद्री पर्वत से उसने एक तीर मारा था समुद्र में, और समुद्र में से एक जमीनों पर आया था, ये जमीन गोवा है। इस तरफ देखिए एंट्रेंस में आदमी खड़ा है, मुकदम है ये। ऐसे आदमी को जमींदार लोग अपने प्रॉपर्टी का इंचार्ज रखते थे, क्या ठीक है। यहाँ देखिए आदमी नारियल छीलता है, ये नारियल छीलने का जो इंस्ट्रूमेंट है कुबड़ा बोलता है इसे। एक आदमी इसके ऊपर 1000 नारियल छीलता था एक दिन में, ये हॉपी बोलता है इसे। ये हॉपी में लोग एक तस्वीर रखते थे सेंट एंथनी का, लोग बाहर जाते समय इसको प्रार्थना करने के बाद खेलते थे। तो आगे हम लोग भट्टी देखेंगे, लोग दारू कैसा बनाते थे पहले खाते थे, बाद में और रस बड़े मड़के में डाल के बॉयल करते थे इसको, वाप जाता था। वो पीछे देखे एक आदमी बैठ के वो वाप ठंडा कर रहा है, ये बॉटल में अरक मिलता था पहला, वो अरक दोबारा बॉयल करने से दिक्कत पे नहीं। ऐसे काजू का जो नट है वो निकालने के बाद जलाते थे आग में, उसके बाद ऐसा तोड़ के खाने का। तो एक फल को एक ही नट मिलता है, ये फल का सीजन रहता है मार्च अप्रैल मई महीना। वो लोगों को एक छोटी सी इंडस्ट्री जैसी थी, इस तरफ देखिए वो कारपेंटर बैठ के काम कर रहा है। अभी आप लोग यहाँ से आगे चलिए, उधर एक शॉप है, वो देखने के बाद पीछे दरवाजे से बाहर आने का, उधर से हम लोग आगे चलेंगे। और इंडियन म्यूजिशियन है, इधर हैंड पेंटर है, शहर से मदर ऑफ पर्ल शहर से पेंटर भी होंगे, वॉल हैंगिंग इसका सबसे नीचे कार है, इधर शो पीस थी। मैजिक लैंप है, टेराकोटा का बना हुआ है, जब आप दिए चलाते हैं तो उसमें ऊपर से तेल डालते हैं, इसलिए हम ऊपर से बन बना ताकि कीड़े मकौड़े गिरके तेल खराब हो जाए, और नीचे से एक होल बनाया है उसमें तेल डालना है। कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, दिया जलाने के लिए दिया उल्टा करना है, एक तेल का वो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, यहाँ से बत्ती डालो और भगवान के पास चलाओ, फिर लगातार 2 दिन तक जलते हैं, फिर वापस भर के वापस काम करते हैं। 50 रुपये का और 100 का गणेश, ये 10 दिन। इस पार्क का नाम क्या है? मिनी गोवा। ये बड़भुंजा है, मूंगफली सेक रहा है, मूंगफली सेकने का बाहर मिस्टर गोवा। हाँ
पुर्तगीज लोग नहीं है, लेकिन पुराने घर तो अभी है मॉडल का, जैसे आई अंदर तो दिखे नहीं उधर से। एंसेस्ट्रल गोवा में अशोक कुमार करता था, उसने बहुत साल किया। एक भी दिन लॉर्ड कृष्ण ने ब्लेसिंग दिया उसको कि पैर का निशान रह गया पत्थर के ऊपर। अब यहाँ लिखा है किसी को उसके ऊपर पैर रखना है तो आपका एक जूता निकल के राइट शूज, पैर रखने का उसके ऊपर निशान निकल। वे टू संत मीराबाई नंबर दब रहा साइड में जाओ जरा। हाँ ठीक है, और
अभी से कोई ले लेते हैं, अब भी कई आलोक हो गया। ये मंगेश टेंपल है, दक्षिण गोवा का प्रसिद्ध टेंपल है। मंगेश टेंपल ये मंगेश मंदिर के अंदर का परिसर है, सामने मंगेश संस्थान का ऑफिस है। टेंपल अपने आप में अति सुंदर टेंपल है, गोवा के हिसाब से सुंदर है पर हमारे जयपुर के मुकाबले भव्य इमारतें गोवा में नहीं है। ओल्ड चर्च ऑफ गोवा, बाजिलिका
बड़ी स्कूल सीट है फर्स्ट क्लास para as pessoas. चलो ओपन करो
खोलें अभी साहब को घुमा रहे हैं क्या छोटा सा ट्रैक्टर है। वाह भाई वाह। छोटा सा ट्रैक्टर क्या छोटा सा ट्रैक्टर है। इससे भवन निर्माण का कार्य हो रहा है। ओल्ड चर्च के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। गोवा राज्य में है, हम की राजधानी है, यहाँ पर हम खड़े हैं और इसका चित्र ले रहे हैं। देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये रोटरी क्लब ऑफ पंजी ने बनाया है। बीच वेगेटेरियन वो पंजी से आ रहे हैं सभी फर्स्ट क्लास।
प्लस तरीके से आ रहा है। क्लियर हुआ है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो रिकॉर्डिंग तो हमें कर लेंगे। हमें अभी हमें तैयार है किस पास है चलो उसके फिर वो हमारे प्रदेश की है ना। क्या हुआ आपको रिकॉर्डिंग शुरू हो गई इसके लेते ही बिल्डिंग होगा जो बिल्डिंग आ रही है सर यार ये बढ़िया तरीके से काम करते अभी तो सर मेरा सर का सामने आओ कौन इससे बेटर तो आँख लगा जाता है। ये कौन सा होटल है यार ठीक है ये ब्रिज आ गया जाओगे तुम लगा आवाज तो बीच की बीच की आवाज
गोवा मैं तो फिर मेरी हिम्मत में नहीं जाऊँ मेरी मिसेज को प्रकृति से बहुत प्रेम है समुद्र में खत्म होने का सुना है अरे क्या खत्म हुआ है शहर खत्म हुई है रिकॉर्डिंग आ रहा है आपका हम मरगांव से 9 किलोमीटर दूर कोलवा बीच में कोलमार रिजोर्ट नाम की होटल है रूम नंबर 62 में बैठे हुए हैं और इस रूम की रिकॉर्डिंग की जा रही है और रूम काफ़ी अच्छा है और सस्ता है टेलीविजन है फोन है और पंखा है अलमारी है शीशा है अच्छा बाथरूम है मात्र 300 लोग पर डे के अंदर संपूर्ण फैसिलिटी युक्त होटल है सीजन में ये होटल 1500 रुपये मिलती है ऑफ सीजन आने का हमें अतिरिक्त बेनिफिट मिला है और साइटसीइंग का भी बड़ा VIP के तरीके से जैसे VIP साइटसीइंग होती है इस प्रकार हमें पूरा VIP की तरह फिट किया गया है शहर खत्म होने वाली है शहर खत्म होने का चिन्ह आ गया है ऐसा लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद कैसे फुल हो गई है कोलवा बीच पर कोलमा जिसमें हमारा छोटा नंबर 62 अस्सी के करीब 9:30 बज चुके हैं और चल रही है अमेरिका में अमेरिका में रुमाल लगाकर मैं कैसे लगा हूँ मैं अपने मुझे कुछ भी कहना चाहता हूँ नहीं इस कैसे भी सब पता पड़ेगा अच्छा लग रहा हूँ बुरा लग रहा हूँ जैसा भी होगा चित्र में आएगा उसको देखने के बाद मैं इस बात को बता देता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ अभी मैं अपने आप इस बात को कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि ये रुमाल कैसा लग रहा है क्योंकि मेरा सिर अभी फसा से बीच के आने के कारण गीला हुआ है
इसलिए मैंने अपने ऊपर इस रुमाल को लगा लिया है। पलंग पर लेटने का सीन, वाह वाह क्या कहने, कितना बढ़िया लग रहा है। लूजी और बनियान में बहुत बढ़िया लिख रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ओके खत्म होने की स्थिति में ये ब्लिंकी कर रही है, इसका मतलब यही मानना है ना, तो थोड़ी देर में आ जाएगा टेप एंड। पचास तो हम पॉकेट में, हम तो भूल ही गया, माँ जी को भेज दीजिए, उमान कैसे का भी पता।